नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेफ अशोक की रसोई में। दोस्तों चलिए आज हम दाल पालक बनाना सीखते हैं घर के होम स्टाइल में। चलिए स्टार्ट करते हैं दाल पालक। लहसुन ले लिया, उसको हमने थोड़ा कूट लिया है। प्याज थोड़े बारीक काट लिए। मिर्ची ले ली, मिर्ची काट ली। पालक पालक ले लिया, पालक को काट लिया है। चलिए शुरू करते हैं दाल पालक बनाना होम स्टाइल में। सबसे पहले हमने इसमें तेल डाल दिया है। तेल को मीडियम आंच पर गरम करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके अंदर जीरा डालेंगे। जीरा डाल दिया। जीरा डालने के बाद में डालेंगे हम इसमें गार्लिक। गार्लिक डाल दिया। गार्लिक को थोड़ा सा भुनेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे हम ऑनियन। ऑनियन डाल के ऑनियन को थोड़ा सा पकाएंगे। फिर अब डालेंगे इसके अंदर हम ग्रीन चिली। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं थोड़े से कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डाल दिया है क्योंकि प्याज थोड़े भूनने आ गए। अब इसके अंदर हम डालेंगे ग्रीन चिली। ग्रीन चिली दाल के लिए हम इधर मसाला निकाल देंगे। हम हमारे इस स्पून से 1.5 स्पून जितना दो स्पून जितना मिर्ची ले लिए। 1/2 चम्मच हल्दी। 1/2 चम्मच नमक। बस आपने देखा, हमने मात्र 3 चीज़ें ली है, मिर्ची हल्दी और नमक। घर पे यही 3 चीज़ें ही हम यूज करते हैं और दाल बनती है इतनी शानदार टेस्टी, जितनी हम होटल के अंदर भी नहीं बना पाते, उतनी शानदार दाल बनती है यहाँ पर। इस मसाले के अंदर हमने थोड़ा पानी डाल दिया। पानी डाल के इस तरह इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करके अब इधर हमारा ऑनियन और गार्लिक पक चुका है, तो अब इसके अंदर हम ये जो मसाला है ये डालेंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डालेंगे। हल्का सा पानी और डाल के इसके अंदर डाल दिया हमने। अब गैस को थोड़ा तेज कर देंगे और अब ये मसाला पकने तक हम इसको ढक देंगे। फिर जब ये मसाला पक जाएगा उसके बाद में हम इसके अंदर पालक डालेंगे और फिर दाल ऐड करेंगे। देखिए घर के हिसाब से, घर के स्टाइल से कैसे बनती है दाल पालक। अब इसको 5 मिनट हम ढक देंगे जब तक ये मसाला पक जाएगा। से भाप आ रही है तो वीडियो खुले में। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुका है। अब अंदर अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटो। अब हम इसके अंदर टमाटो ऐड कर रहे हैं। टमाटो ऐड कर दिया। टमाटो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, टमाटो भाप से ही पक जाता है, इसलिए हम टमाटो बाद में डालते हैं। ये देखिए टमाटो डाल दिया इसके अंदर। अब हमने अब टमाटो के साथ में ही हम ऐड करेंगे पालक, जो हमने चॉप करके पहले रख रखा था, वो धो के रख रखा था हमने, काट के पालक डाल दिया इसके अंदर। अब हमने ये देखिए, ये हमने दाल ले ली है, ये मिक्स दाल है। इसको भी हम वॉश करेंगे। पहले वॉश करके उसके बाद में इसके अंदर डाल देंगे। अंदर दाल को हमने वॉश कर लिया अच्छे से। अब ये दाल को इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इस
इसके अंदर हल्का सा पानी डाल के अंदर डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी इसके अंदर हम पानी डालेंगे। हम यहाँ दाल बना रहे हैं 6 मेंबर के लिए, तो समथिंग 1 लोटा पानी इसके अंदर डालेंगे हम, और थोड़ा और लेंगे। मतलब 2 लोटा हो गया, 2 लोटा पानी हमने इसमें ऐड किया है अभी। अब हम इसको ढक लेंगे उबलने तक, पकने तक। तो इसको कम से कम 10 मिनट के लिए हम ढक के कवर करके रख लेंगे, उसके बाद में फिर वापस चेक करेंगे दाल को।